तो ये है हमारी सोफा जो कि टूट गई थी। क्या है, अभी छोड़ देंगे? वो तो पहले से ही खोलनी पड़ेगी। मम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया है एनिवर्सरी में। मैरी क्रिसमस, सबको बोलो मैरी क्रिसमस। नंबर कहीं शो होंगे, मैसेज आएगा मोबाइल पे। मोंटे कार्लो तो ये है हमारी सोफ़ा जो कि टूट गई थी। पहले हमारी सोफ़ा जो थी वो स्प्रिंग वाली थी, तो फिर हमने भैया को बुलाया क्योंकि ये टूट गई है तो नए से बना देने के लिए। तो भैया ने क्या किया है, इसकी स्प्रिंग हटाकर इसे सिर्फ स्पंज वाला ही कर दिया है जो कि बहुत अच्छा है। क्या है, अभी छोड़ देंगे? वो तो पहले से ही खोलनी पड़ेगी। और ठीक है, हाँ ठीक आ गया, चलेगा चलेगा चलेगा। हमने बहुत सारे फर्नीचर इन्हीं भैया से बनवाए हैं। ये जो सोफ़ा है ये रेडीमेड था, तो ये भी इन्होंने अभी ठीक कर दिया है। बाकी इनका काम बहुत ही बढ़िया है, जो भी हमने चीज़ें बनवाई हैं इनसे इनके फिनिशिंग बहुत अच्छी है। तो जैसे हमने की डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग, पलंग, शोकेस, ये सब इनसे बनवाया है और बहुत ही अच्छा बनाते हैं भैया। मैं ऐसे धूल ही धूल हो गए थे, तो आज जो है भैया बाहर कर रहे हैं और ये तो रेडी हो गया है, बस ये एक ये रेडी होने बाकी है। मैंने पूरा बलून फुला के रख दिया है और अब वहाँ पे जाके फ्रंट वाले रूम में डेकोरेशन करूँगी। ये भी मैंने निकाल दिया, ये पिछले साल का है, हमने पिछले साल इसे डेकोर किया था और ये भी पिछले साल के ट्री है। और ये जो है ये इस साल खरीदे हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सजा दिया है हमने। एनी प्रीशु, प्रीशा को सेंटा बनाएंगे, तो थोड़ा सा ऐसे फन है, थोड़ा सा हम लोग इंजॉय करेंगे क्रिसमस डे को। ड्रेसिंग किया है हमने और हमने सोचा था कि प्रीशा केक काट के घूमने चले जाएंगे, पर प्रीशा सो गई है और प्रीशा के पीछे उसके पापा भी सो गए हैं। और हमारा दरवाज़ा जो था वो नीचे तक आ गया था, मतलब थोड़ा खोल के मेरे ख्याल से वो थोड़ा मारते हैं उसकी वजह से, तो अभी वो भैया जो है वो ठीक कर दे रहे हैं, उसको काट दे रहे हैं, उसके बाद फिर उस दरवाजे को लगा देंगे। तो ये जैसे कि दरवाजा ये अंकल पकड़ के खड़े हैं और भैया काट दे रहे हैं। यहाँ वो बैठ कर टीवी देख रहे हैं, ये अपना खुद ही सामान लेके आए हैं, अंकल यहाँ पे कील निकाल रहे हैं। केक इन्होंने क्या किया, ये जैसे केक लेके आए, ये गए थे खेलने के लिए मैच, तो मैंने केक मंगवाया था, ये केक लेके आए, तो प्रीशा दौड़ कर गई कि पापा क्या लेके आए हैं। इन्होंने केक प्रीशा को थमा दिया और प्रीशा ने केक का डब्बा एक बार गिरा दिया, तो केक थोड़ा सा टच हो गया है, उतना खराब नहीं हुआ है। ये रहा हमारा सेंटा का केक। नानी अब उठ गए हैं और अब हम जाएंगे घूमने के लिए ना प्रीशु। अम्मी नानी उठ, प्रीशा और उसके पापा सो गए थे, अब प्रीशा उठ गई है, तो अब हम जाएंगे घूमने के लिए मॉल। मॉल में जाकर थोड़ा देखेंगे कि डेकोरेशन कैसे किया हुआ है और प्रीशा को अच्छा लगेगा। बस प्रीशा के फन के लिए हम जा रहे हैं और इनकी 3 दिन छुट्टी थी, तो 3 दिन तो कहीं नहीं लेके गए, आज तीसरा दिन है, तो आज हम थोड़ा सा घूम लेते हैं क्रिसमस के दिन में। तो बस प्रीशा भी जाग गई है और प्रीशा रेडी हो गई है, सेंटा बन गई है हमारी प्रीशा, और अब हम काटेंगे केक। हम लोग भी सब रेडी हो गए हैं, बस केक काटेंगे खाएंगे, उसके बाद फिर हम निकलेंगे घूमने के लिए। तो इतना बस थोड़ा सा ही डेकोरेशन किया है, ज्यादा नहीं किया है। ये केक इनको मंगवाया था मैंने, ये इन्होंने कप केक, और ये है सेंटा वाले केक। इसका डेकोरेशन बिगड़ गया, आप क्यों ले लिए एक, देखो मैंने डेकोरेशन किया था उसको, अब वो कैसे कवर होगा? तो इन्होंने एक वहां से खा लिया, मैंने डेकोरेशन किया था। और ये केक सेंटा केक, तो इसको मैं सजा देती हूँ। बुआ वहाँ बैठी है, बुआ की थोड़ी सी तबीयत खराब है, और मैं सोच रही थी कि मेरा पुराना वाला जो था ट्राइपॉड वो मैं नहीं, अब मैं नहीं खरीदूंगी नया, पर ये मुझे एनिवर्सरी में गिफ्ट मिला है। ये रहा, मम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया है एनिवर्सरी में। चलो स्टैंड कर देती हूँ और अब हम केक काटेंगे।
पैर भी मार देना। चलो मम्मी को लेके चलूंगा। बस चलाओ आओ नानू केक काटो। चलो मेरी क्रिसमस सबको बोलो। कितना से चाकू? मेरी क्रिसमस। ये तो बिल्कुल सेंटा जैसी आवाज निकाल उसको मुझे। नानू हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे आप क्या हैप्पी बर्थडे? अरे देखो ना, हमें तो देखो ना, इतना है तो रहने दो, तो रहने दो, तो रहने दो। तीन में समाज बाजे को साथ तुमने पकड़ो। लो बाजे साथ ले लेते हो। बॉडी ले काट सा उसको छोड़ो ना, तो आप लोग काटो। आओ चलो, इसका मुंह तो दिखना चाहिए ना। मैं मुंह दिखा दी। आओ ले ले जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजीला प्रीसा प्रीशा तो देख ही नहीं रही है। नानू तुम्हें केक खाने वही ना, केक खाने फिर लॉलीपॉप। तो हमारी सेंटा जो है वो हमें देख ही नहीं रही है। सेंटा केक खाने वही ना। हेरो यहाँ पे केक की छा, ये केक खान छो। तो प्रीशा को अभी हम रेडी करेंगे, उसके बाद फिर घूमने के लिए जाएंगे। सैंटा के कपड़े वो खोल देगी। अच्छा ये लॉलीपॉप, लॉलीपॉप लिया रहती मैं। और अब हम ये सब केक काट के खाएंगे और अब फटाफट निकलेंगे, क्योंकि ये कब से बोले जा रहे हैं चलो 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 चलो। तो विदाउट एग वाले सही है ना, खाओ ना, क्योंकि मम्मी तो वैसे भी खाती नहीं है। मम्मी जो है वेजिटेरियन है, पोपो भी वेजिटेरियन है और मैं भी हो गई हूँ। और श्रद्धा भी वेजिटेरियन है, तो ये अंडा वाला नहीं है। हम बिना अंडा वाला ही केक लाते हैं घर पे हमेशा। वो देखो ना नानू कैसे देख रही है पापा को। बाजले क्रीम लगाई थी, गोली लगाई थी बेटा, चम्मच दे दो। अरे मैं ही तो लाया था। आज ऐसा क्यों उठा रहे हैं? अरे मैंने उसको बोला अंडे का डाल दे। कौन सा भेज दिया? हाँ। ये क्या चीज़ है? ये है? क्या केस? ये वाला जो? ना ऐसे। ये ऐसा क्या है? ये डाला है। हाँ। पानी। वैसे तो लगता है। जैसे डाल से तूने दो बार चाय पड़ा वो छेद रही है, पूरा बाथरूम गंदा करके आई थी। चाय मतलब उसका पेट खराब है ना। बस ना जो इतने वाला बैग दे ना, वही अंदर
उसको गला भी खराब है और नीचे से भी जा रहा है। वाह राम रोके गई था नहीं कौन ढूंढ रहे पापा आओ क्या डालोगे तुम लाने आओ चलो भूख खा रहे हो भूख खा रहे यही बोतल की थाली में मेरे टुल्ला बाय चले हो गया देवानंद बेटा इतने जाने मेरा प्लान तो बैग हां चल नहीं देखो हाथ में पूरा टॉफी था मम्मी बोल रहा मेरे को गिफ्ट चाहिए गिफ्ट बोल तो रहे टुंडा वाले से स्वेटर खरीदेगा बोले लगाई थी बाजू बालू समझो बाजू को गाल में बोले लगाई दी हो यहाँ पे जाके मरना है क्या नानू क्यों हुई हो नानू नानू बताओ क्यों हुई हो बताया बहुत ही भीड़ है क्रिसमस डे में तो अब हम जा रहे हैं नीचे नीचे जाके हम पिज्जा खाएंगे पैंटलून्स किट और नानू को अब चाहिए ड्रेस हाँ नानू इस बार का डेकोरेशन अच्छा है ना पिछले बार से अच्छा डेकोरेशन किया गया है इस बार तो हम जा रहे हैं यहाँ पे पिज्ज़ा हट में ऑफ है 50% ऑफ है तो अब हम जाएंगे पिज्ज़ा हट पीछे पीछे आ रहे हैं मॉल में वैसे भीड़ तो है इस एरिया में खाली है तो हम इस एरिया में घूम रहे हैं और अब जाएंगे पिज्जा हट तो हम अभी और नीचे जा रहे हैं पिज्जा हट पे नहीं गए क्योंकि पिज्जा हट की पिज्जा मुझे उतनी पसंद नहीं है तो हम जा रहे हैं डोमिनोज तो हम आ गए हैं डोमिनोज डोमिनोज में हमने लिया है वेजी पैराडाइज और वेज एक्स्ट्रा वेगेंजा मीडियम मीडियम स्टफ गार्लिक ब्रेड स्टफ गार्लिक ब्रेड है ना खाइए क्या ना लो नंबर कहीं शो होंगे अभी बोलते हैं सब मेरा है यही ज़्यादा खाएंगे मिरिंडा भी डाल लो ना मिरिंडा भी डालो तो सजा नानू यहाँ पे बुबू खा रही नानू देखो पिज्जा आ गया नानू उठो देखो पिज्जा आ गया देखो उसने बुबू दे दिया देखो नानू नहीं खाएगी और मैं हूँ इंडियन मॉम तो मैं इसके सारे वेजेस लेकर मैं खा लूँगी क्रिसमस ट्री में थोड़ी देर फोटो शूट करेंगे उसके बाद फिर हम घर के लिए निकलेंगे बुक ही नहीं होता बुक गए होता बुक गए क्या मोनू ने मेरे को बताया था बुक गए मेरा दोस्त है उसने शैंपेन को बोला चिंपांजी है सही है इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे बताना पहले रोहिणी बताएगी ये मोंटी गार्लो क्या मोंटी गार्लो मोंटी गार्लो हम श्रद्धा बोलेंगे
उन्होंने बोल दिया मोंट कालू कालू तो मैंने बोला कालू अब श्रद्धा बोलेगी बताओ श्रद्धा का मुंह भी मांगा हो जाएगा पहले मोंटे कालू क्या मोंटे कालू मोहन की कर लो बोल कर लो तो मैंने बोली मोंटे दोनों गलत क्या बोलते हैं तो मोन क्रिसमस का दूसरे दिन और नानू ने पूरा गिफ्ट चॉकलेट खोल दिया ये पूरा खोल दिया उसने रात 2 बजे तक वो यही कर रही थी पूरा बदमाशी की हालत नानू ने क्या किया